अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम चिकन मंदी बनेंगे। ये है चिकन मंदी का मसाला। सबसे पहले दो चम्मच धनिया पाउडर है, ये चम्मच पाउडर नहीं है, दो चम्मच धनिया है ये चम्मच से, दो चम्मच जीरा है यही चम्मच से, एक चम्मच सौंफ है ये चम्मच से, एक चम्मच काली मिर्ची है, ये है जायफल जावित्री, ये जावित्री ये जायफल है आदि, ये जावित्री है एक फूल, ये है दालचीनी दो से चार टुकड़े, ये है सौंठ का आधा इंच का एक टुकड़ा, लौंग है 10 से 12, इलायची है 10 से 12, ये है काली इलायची 2। अब इन सबका पाउडर बना लेंगे, इनको भून लेना है। ये है मेरे पास ब्लैक लेमन, काला नींबू है, ये मैं आधा कर लिया, इसमें से बीज निकाल लिए, इसकी जरूरत पड़ती। ये सब भी भूनना है, इसको भूनना नहीं है, ये भून के इसका पाउडर बना लेंगे। ये सौंठ को थोड़ा सा वकली में कूट के डाल लेना, नहीं तो जार में पीसने नहीं आता, जार के पत्तियां टूट जाते, पीस के डाल लेना। ये मंदी मसाला पीस के तैयार हो गया। अब हम चिकन को मैरिनेट करने की तैयारी कर लेंगे। ये चिकन है मेरे पास, 2 किलो चिकन है ये। ये चिकन को ऐसा कट, इसमें से कट मार के रख लेना, इसमें मसाला अच्छा जाता। इसमें पानी थोड़ा भी नहीं देना, ये एक आधा चम्मच मेरे पास सौफरन की काड़ियां हैं, इनको अच्छे से मसल लेंगे। ये अच्छे से सौफरन इसमें मिल गया, अगर आपके पास टाइम है तो इसको आधा घंटा रख लेना। अब इसमें डालेंगे नमक, डाल देंगे 2 चम्मच, हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये है मंदी मसाला, इसको 3 चम्मच डाल देंगे, यही चम्मच से 3 चम्मच डाल देंगे, अच्छे मिक्स कर लेंगे इसको। और ये जो विनेगर है, ये भी 2 चम्मच विनेगर है, ये भी डाल देंगे इसमें। अच्छा मसाला अंदर कटों में तक जाना। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया ये कटों के अंदर भी। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, डालेंगे 2 से 3 चम्मच, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप सादा नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। अब डाल के इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे, 2 घंटे नहीं तो नहीं, कम से कम आधा घंटा तो भी रखना, इसमें अच्छे से टेस्ट आता और ये गोश्त मजे का हो जाता। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये प्याज मैंने पहले से तल के रख लिया था। अब ये कढ़ाई गर्म हो रही, ये कढ़ाई में अब काजू किशमिश और बादाम को तल के रख लेंगे। ये स्लो फ्लेम पे डाल देंगे, हल्का हल्का तल लेंगे इसको। ये थोड़ा तले जाने के बाद में अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश को फुलाना नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा निकाल लेना है, 4-5 चम्मच हिला के निकाल लेना है। अब 5 मिनट में ऐसे थोड़ा और हिला के निकाल लेंगे, 2 मिनट में हो जाता है। देखिए किशमिश थोड़ा सा हल्का हल्का कलर आ रहा है इसका, इसको फुलाना नहीं है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे, इसको पूरे निकाल लेंगे आस्ता से निकाल। ये गोश्त को मैरिनेट होते हुए 1/2 घंटा हो गया, अब हम इसको स्टीम देंगे। ये मेरे पास स्टीम देने के लिए भगोना है, ये गिलास से मेरे पास 3 गिलास चावल है 1.5 किलो, अब मैं इसमें 6-7 गिलास पानी डालना है इसको। ये मेरे पास 6.5 गिलास पानी है, 3 गिलास चावल थे, अब इसको हम स्टीम देंगे। ये है मेरे पास छन्नी, अभी छन्नी पे मेरे को गोश्त रख, अब ये सारा गोश्त इसी तरीके से फैला के रख देंगे। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, इसको ढक्कन लगा देंगे, 20 मिनट पकाना है इसको, ढक्कन लगा देंगे 20 मिनट के बाद देखेंगे।
चावल आधा घंटा पहले भीगने रख लिया था मैं, ये बासमती चावल है ये। और चावल भिगाते वक्त में अच्छे से ऊपर तक पानी आना, ये भीग के जरा फूल भी जाते, और पहले भिगा के रखना। भिगा के रखने का ये मतलब है जल्दी भी पक जाते और थोड़ा लंबा भी हो जाता चावल इसमें। ये आधा घंटा हो गया, अब ये जो स्टीम होता जब तक और आधा घंटा हो जाता। 20 मिनट हो गए, अब इसको चेक कर लेंगे। अब इसको पलटा करके इसको पलटाते जाएंगे और 20 मिनट रख देंगे। सारे चिकन के पीस को पलटा के रख लिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, आप अपना ख्याल करते हुए इसको पलटाइए। अब ये साइड में 20 मिनट और रख लेंगे। इधर भी 20 मिनट हो गए थे, इधर खाली 15 मिनट हो गए, गोश्त अच्छे से गल गया, ये देखिए। अब इसको साइड में रख लेंगे। ये चिकन स्टॉक है जिसे मैं 6 गिलास माप के डाल लिया था, 6.5 गिलास। अब इसको वापस से और मापेंगे, ये कितना हो गया, कम हो गया इसमें, कितना होना और ज्यादा इसको माप के देख लेंगे। ये वही बर्तन है जिसमें मैं चिकन मैरिनेट करके रखे थे, उसमें मसाला भी था। 1 गिलास हो गया, 7 गिलास होना है पूरे। 6.5 गिलास पानी, 7 गिलास पानी डाला था मैं, ये 6.5 गिलास हो गए। अब इतना पानी मेरे को बस है। अब हम जिसमें भी चावल उबाल रहे अब उसमें अपन ये पानी पलटा लेंगे। जिस बर्तन में चावल पका रहे वही भगोना लेना है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है, ये वही तेल है जिसमें मैं प्याज तल कर रख लिया था। तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। तेल गरम हो गया, ये 1 डल्ली प्याज है, प्याज को थोड़ा नरम होने तक भून लेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच घी भी डाल लेंगे, आपके पास घी नहीं है तो तेल ही सही। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची है, ये 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई है, 2 चम्मच है ये। ये इंडियन टेस्ट के हिसाब से बनाएंगे, बन रही है मंदिर, ये जैसा ऑथेंटिक मंदिर रहती ना उसमें स्पाइसी नहीं डाले जाता है, फिक्की फिक्की रहती है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 टमाटर है, इसका पेस्ट बना के रखी हुई थी, ये भी ऐड कर देंगे। अच्छे से भूनते जाएंगे इसको, तेज आंच पे भूनना है। टमाटर का और मिर्ची का पेस्ट अच्छे से भुनेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऑप्शनल है क्योंकि मंदी चटपटी बनती इसलिए इसको मैं डाल दूँ। अब इसमें डालेंगे ये जो मंदी मसाला था, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे ये भी। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालने से चावल में कलर अच्छा आता। नमक डाल देंगे आप टेस्ट के हिसाब से, तो अच्छे से भून लेंगे। 2 से 4 मिनट इसको भून लेंगे, अदरक लहसुन की कच्ची भू चल जाए। ये मसाला अच्छे से भुने गया, अब इसमें जो चिकन का स्टॉक था वो डाल देंगे। ये चिकन का स्टॉक गरम है, बहुत जल्दी उबाल आ जाता है इसमें, जैसे ही उबलता है इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो आधा नींबू बचे हुआ था ना वो नींबू डाल देंगे क्रश करके ऐसा। आपको अगर काला नींबू नहीं मिला तो आप जो ग्रीन नींबू रहते ना उसका ऊपर का छिलके को ग्रेट करके डाल लेना। 1/2 चम्मच में कनिए ज़ैफ़रान के काढ़िया थे। अब ये टाइम पर नमक चेक कर ले सकते हैं, इसको उबलने के बाद चावल ऐड करें। पानी पक रहा है, ये चावल डाल देंगे इसमें। अब इसको एक बार अच्छे से हिला देंगे, हल्के हाथों से हिला के ढाप के रख देंगे इसमें, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना। इसमें तकरीबन पानी खत्म हो गया, बीच बीच में चम्मच चलाते रह रहे थे। अब इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ये दम हो जाता इतने पानी में। चावल दम होने तक ये जो चिकन है स्टीम करके रखे हुआ, ये चिकन को तल लेंगे। ये कढ़ाई चढ़ा दिया मैं, तेल गरम हो रहा और गरम गरम तेल में तलने का है हमको। तेल गरम हो गया, अब एक एक पीस डालते जाइए तलेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़े से ऊपर
मार्क्स पिंक कलर के मार्क्स आने तक पकाने का है, इसको गरम गरम तेल में पकाने का है बस। इसमें थोड़े काजू बादाम किशमिश ऐड करके एक बार और चम्मच चला देंगे, दम पे लगा देंगे। ये एक साइड अच्छे से तले गई, अच्छा पिंक कलर के इसके मार्क्स आ गए। अब एक साइड और एक दो से पांच मिनट तक तल लेंगे इसको भी निकाल लेंगे। दोनों साइड अच्छे से तले गए, इसके अच्छे से मार्क्स आ गए, इसको निकाल लेंगे। अब पूरे ऐसे चिकन के पीसेस तल के निकाल लेते हैं। खाना अच्छे से दम हो गया ये पूरा। अब इसमें ये तले हुए चिकन के पीसेस रख देंगे, स्टीम देंगे। अब हम इसमें ये तले हुए चिकन रख देंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा काजू बादाम, थोड़ा सा हरा मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी तली हुई प्याज है, थोड़ा सा ये हरा मसाला है। अब हम इसमें ये चारकोल रख देंगे। ये चारकोल गरम हो गया, अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। जल्दी से ढक्कन ढाप देंगे, पांच मिनट के लिए रख देंगे ऐसे। इसमें चारकोल का पूरा धुआं आ गया, अब इसको मैं सर्व करके दिखाता हूँ आपको। मंदी बनके तैयार हो गई, चिकन मंदी है। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिए, स्पाइसी अच्छी बनी, इंडियन मंदी है जैसा मैं बनाया। एक बार आप जरूर उसी तरीके से ट्राई करके देखिए। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको वीडियो समझ में आता, आप थोड़ा सा देख के रुक नहीं जाना, आपको समझ में नहीं आता। ये है मंदी की चटनी है ये, आप ये मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते। ये है मायोनीज है, आप अच्छे से मायोनीज से चिकन मायोनीज भी खा सकते हैं, चिकन चटनी भी खा सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।